तुमने 6000 के लिए एक आम आदमी को मरवाया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर हाल ही में हुए आतंकी हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने आतंकी के सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी ने ही आतंकियों को कई बार पनाह दी थी और उसने गाइड के रूप में काम किया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दरअसल रविवार 9 जून की शाम को कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में तीर्थयात्रियों को ले जा रही 53 सीटों वाली बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इसके बाद बस खाई में गिर गई। इसमें एक नाबालिग समेत 9 लोगों की मौत हो गई और 41 अन्य लोग घायल हो गए थे। बस में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के तीर्थयात्री सवार थे। आतंकी हमले की जाँच जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ NIA भी कर रही है। SSP रियासी ने बताया, 9 जून शिवखोड़ी से आ रही तीर्थयात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले से संबंधित मामले में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। देखिए, जिस दिन से ये अटैक हुआ है उस दिन से जम्मू कश्मीर पुलिस इसके ऊपर लगातार लगी हुई है। कई सारे सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया है, सस्टेन्ड इंटेरोगेशन हुई है उनकी, और उसी में हमें ये एक आज बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें ये रजौरी बंदराही का रहने वाला हाकम दीन, उसने कन्फेस किया है कि उसने इन मिलिटेंट्स को रुकवाया था, ठहराया था, उनको गाइड का भी काम किया था, उनको उन जंगलों से लेके गया था स्पॉट पे, और उसके बाद वो स्पॉट पे रुका रहा, उसने फायरिंग की आवाजें भी सुनी हैं, और वो होने के बाद उनको लेके भी निकला है। अभी तक जो इसने डिटेल्स डाइवर्ज किए हैं उसके हिसाब से 3 बरी उसके घर पे ये लोग आए हैं अलग अलग डेट्स पे, जो कि इंसिडेंट से पहले के ही कुछ दिन पहले की डेट है, और जस्ट 1 डे प्रायर टू द इंसिडेंट ये उसके घर में पूरा दिन रहे हैं, और उसको साथ लेके उस स्पॉट पे वो लोग गए हैं और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जो अभी पता चला है उसके हिसाब से शायद ये 1-2 बरी पहले भी उनका साथ देता आया है, बट अभी उसने पूरे तरीके से इसके बारे में नहीं बताया है, और उस लाइन पे ये इंटेरोगेशन जो है अभी भी जारी है। पाकिस्तानी आतंकियों के बारे में बताता है और 3 का बताता है कि 3 लोग थे वो, और पहली बार ही देख रहा था उनको। उसने इतना जरूर बताया है कि उसने जब उस एरिया को थोड़ा रेकी किया तो उसने ये इंश्योर किया कि CCTV कैमरास जो हैं वो कहीं से भी उसकी फोटो को, उसकी इमेज को या उन मिलिटेंट्स की इमेज को ना पकड़ पाए, तो उसने ऐसे ही रास्ते से उनको, जंगलों के रास्ते से उनको स्पॉट पे वो लेके गया है, और इतना उसने अभी तक अपने डिटेल्स में डिवल्ज किया है। खाना खिलाया, उनको पनाह दी, उनको गाइड किया, और रेकी करके इस तरीके से भी एक पोजीशन अपनी सिलेक्ट करी जिससे कि CCTV कैमराज से बच सके। नहीं, स्पॉट इसने डिसाइड नहीं किया था, स्पॉट पे ले जाने के लिए इसको कहा गया था, जिसके लिए इसको 6000 रुपए भी मिले हैं। हमारी पूरी कोशिश है, हम उस दिन से यही लगे हैं, एंड वी विल नॉट स्टॉप अंटिल दोज मिलिटेंट्स आर इधर अरेस्टेड और न्यूट्रलाइज्ड। देखिए, इट विल बी अ स्टेटमेंट दैट आई वुड नॉट लाइक टू से इन द मीडिया, वेदर दे आर इन रजौरी और रियासी, इट इज समथिंग दैट बोथ द डिस्ट्रिक्ट एंड बोथ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस आर वर्किंग ऑन, एंड अगर हमें पता होता कि वो कहाँ पे हैं तो हम अभी तक उनको न्यूट्रलाइज कर चुके होते। ये व्यक्ति कई बार आतंकियों को पनाह देने में शामिल था। भोजन और आश्रय प्रदान करने के साथ साथ उस व्यक्ति ने एक गाइड के रूप में भी काम किया और उन्हें घटनास्थल तक पहुंचाने में मदद की। गिरफ्तार व्यक्ति एक प्रमुख आतंकवादी सहयोगी है जिसने हमले को अंजाम देने में आतंकवादियों की मदद की। मामले में आगे की पूछताछ और जांच जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा जिले में हुए आतंकी हमले में शामिल 4 आतंकवादियों के स्केच भी जारी कर दिए हैं, साथ ही उनकी गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। रजौरी और जम्मू जिलों के सुंदरबनी, नौशेरा, दोमाना, लंबेरी और अखनूर इलाकों सहित घाटी के कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बलों पर आतंकी संगठनों द्वारा और हमलों की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने बताया कि खुफिया एजेंसी ने आतंकवादी संगठनों द्वारा सुरक्षा बलों के शिविरों, प्रतिष्ठानों पर फिदायीन हमले की योजना के बारे में चेतावनी दी, इसे लेकर ज्यादा सतर्कता बरतने को कहा गया है। तो वहीं आज ही उत्तरी कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें अब तक 2 आतंकवादी मारे गए, 1 पुलिसकर्मी और 1 जवान के भी घायल होने की सूचना है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार ऑपरेशन अभी जारी है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के हादीपोरा सोपोर इलाके में बुधवार को
सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। इसमें अब तक 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने इंडिया टुडे को बताया कि हादीपोरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। खैर कुछ भी हो, अब देखना तो ये होगा कि आगे कौन कौन से आतंकी और मारे जाते हैं और कौन कौन से गिरफ्तार होते हैं। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।